नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। पिछले दिनों रांची में हुई हत्या, अधिवक्ता मनोज झा के जो खुलेआम हत्या कर दी गई थी वो, और दूसरी बात अभी दो दिन पहले धनबाद में भी उत्तम आनंद की हत्या सुनियोजित तरीके से कर दी गई। आपको बता दें कि उत्तम आनंद वहाँ जज के रूप में काम कर रहे थे और डीजे 8 के प्रभार में थे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि वो प्रॉपर हजारीबाग के रहने वाले थे और इस वक्त वो धनबाद में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आइए, हमारे साथ बैठी हैं भाजपा जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष राखी बदानी। राखी बदानी के बारे में मैं बता दूं कि वो झारखंड विधि महाविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के रूप में भी हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ की कानून की व्यवस्था में वो क्या कहना चाहती हैं और सरकार से क्या डिमांड करती हैं। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आप दो देख रही हैं कि अभी कानून व्यवस्था जो चरमराया हुआ है, या सरकार जो बनी हुई है इसके बाद भी लगातार न्याय व्यवस्था में लगे हुए लोगों की हत्या हो जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहना यही है कि अभी के टाइम पूरे झारखंड में न्यायिक व्यवस्था, न्यायाधीशों की या अधिवक्ताओं की, उनकी लाइफ सेफ नहीं है पूरी रूप से। इनको देखा जाए तो कहीं से इनके लाइफ को सेफ्टी के लिए कहीं से कोई प्रिकॉशन उनके लिए सेफ्टी कहीं नहीं मिल पा रहा है। अगर हम लोग चाहें तो जिस एक एक व्यक्ति के लिए, जो अधिवक्ता, जो न्यायाधीश अपने सारे जिंदगी का हर महत्वपूर्ण काम को छोड़ के हम लोगों के लिए समय देते हैं, हम नॉर्मल सभी लोगों के लिए समय देते हैं और उनके लिए एक सेफ्टी के रूप में उनकी ज़िंदगी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस झारखंड के जो सुचारू रूप से सरकार चला रही है उनके भविष्य को सेफ करने के लिए उनके पास किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ही दुख की घड़ी है कि आज एक अधिवक्ता का भविष्य अपने निजी जीवन का सब कुछ छोड़ के करने के बावजूद भी उनके सेफ्टी के लिए कहीं कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा। झारखंड को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राज्य में माना जाता है और नक्सलियों के द्वारा कभी इस तरह का कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि संजीव सिंह की हत्याकांड की ये सुनवाई कर रहे थे और इस दौरान इनकी मौत होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कहीं ना कहीं उनकी मौत एक साजिश के तहत हुई है, ये एक आकस्मिक नहीं है, ये एक साजिश के तहत उनकी मौत हुई है। क्योंकि धनबाद के जो न्यायाधीश हैं उनकी मौत मॉर्निंग वॉक के समय में नॉर्मल तरीके से, सड़क में कहीं कोई रश नहीं है, लोगों को भागम भाग नहीं है, साइड में अपना वो जॉगिंग कर रहे थे, अचानक से एक ऑटो का आना और बिल्कुल क्रॉस में जाके उनको धक्का देके स्पॉट डेथ हो जाना, ये बिल्कुल एक आकस्मिक हो ही नहीं सकती, ये बहुत ही बड़ी साजिश है। जैसे आपको बता दें कि रांची के जो अधिवक्ता सिविल कोर्ट के न्याय अधिवक्ता हैं, जो वरीय अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बाहर निकल के आराम से थोड़ा अपने ऑफिस ऑफ होने के बाद कोर्ट के बाहर आके थोड़ी देर रिलैक्स महसूस करने के लिए अपना बैठे, वैसे ही अचानक एक बाइक से आए और तीन लोगों ने बिल्कुल नज़दीक से आके उनके साथ कार के दरवाज़ा खोल के और उनको अचानक से तीन गोली उनके सीने में दाग दिया। ऐसा सब माहौल देखते हुए बस यही कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश, जो अधिवक्ता हर व्यक्ति के लिए अपना एक एक जरूरी काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी की आहुति दी है, हम चाहते हैं ये कोडरमा से लेकर के रांची तक एक एक जितने भी बार एसोसिएशन के हर अधिवक्ता हैं, आज के दिन हर लोगों ने स्ट्राइक किया, अपने काम को छोड़ा। कारण यही कि उन अधिवक्ताओं से सबकी आंखें बहुत ही अंदर से नम है, वो भाव विभोर है। इसके लिए हम चाहेंगे झारखंड सरकार से कि वो उनकी मांग को पूरी करे और इसको बहुत सख्त से सख्त सजा के लिए उनको कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा। आप भी सीनियर है, प्रोफेसर हैं, आप भी लॉ पढ़ाती हैं और आपके विद्यालय से लॉ पढ़ के लोग अधिवक्ता बनते हैं या जुडिशली में जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने पूछी है। हम चाहते हैं कि हमारे एक हर माँ बाप अपने एक सपना सजाते हैं और यही चाहते हैं कि हम अपने घर से भी एक भगत सिंह को बाहर निकालें, ये सोच हमारे हर परिवार के मन में आज के डेट में है, क्योंकि इतनी तेज़ी से क्राइम बढ़ रही है, सबके मन में ये बात रह रही है। तो इसको देखते हुए हम यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारी रूप से आगे बढ़ाते हुए एक कॉलेज भेजते हैं, झारखंड लॉ कॉलेज, झारखंड के जितने कॉलेज हैं, इंडिया के कोई लेवल के कॉलेज हैं लॉ कॉलेज,
उनमें पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे अधिवक्ता बनेंगे, उसके बाद न्यायाधीश बनेंगे, तो इस तरीके से अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। लेकिन जब उनका भविष्य सही तरीके से सेफ नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाने भेजेंगे। मैं चाहूँगी कि झारखंड सरकार से कि वो ऐसा सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन रखे जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारे अधिवक्ता, हमारे न्यायाधीश अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षण जब वो त्याग रहे हैं उनके प्रति उनको जो उनके साथ गलत कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है दोनों ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है, है ना, तो आपको क्या उम्मीद है उनसे, क्या लगता है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। देखिए, कोडरमा से लेके रांची से लेकर दिल्ली तक बहुत ही सनसनी तरीके से ये मामला आगे बढ़ रही है। आपको वरिष्ठ वरीय जो बैठे हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर इसके पीछे वो बहुत ही तरीके से अपना एक गठित किया है और उस गठित कमिटी के द्वारा उन्होंने बहुत तेज़ी से बिल्कुल स्थिर बैठे ही नहीं है और वो सारी खबर को टाइम टू टाइम एकदम एक्टिव होके सारे काम को करने पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो इस चीज़ के पीछे उन्होंने कार्रवाई किया है, जिसके इसके पीछे साजिश है, वो पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। वो स्थिर नहीं बैठेंगे जब तक इसके पीछे उनको सटीक नहीं मिल जाए। आप सुन रहे थे राखी बधानी जी को, लाइव लगातार के कोडरमा से अरुण बर्नवाल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।